हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, पता है आज मेरे भाई का फोन आया और उसने उसे बोला कि मैं 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ और कुछ स्पेशल और यूनिक खाने का मन कर रहा है। तो मैंने किचन में जाके देखा तो घर में कोई भी सब्जी नहीं पड़ी थी। तो मैंने देखा कि फ्रिज में एक ब्रेड का पैकेट पड़ा है, तो मैंने सोचा कि इसके इस्तेमाल से कुछ अलग बनाकर अपने भाई को खिलाऊं। भाई को मैंने खिलाया, भाई ने इतनी ज्यादा तारीफ की कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ ब्रेड से बन जाती तो आप लोग भी इसे इजिली बनाकर फैमिली वालों का प्यार जीत सकते हैं। तो चलिए आप की इस मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है व्हाइट वाली ब्रेड और मैं जो ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैदे वाली है। आप चाहे तो इसकी जगह पे व्हीट फ्लावर की ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गेहूं के आटे वाली ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन वाली ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कितने स्लाइस लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लाइस मैंने लिया है। तो अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप इसमें मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ब्रेड को ले लेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हम नाइफ ले लेंगे और इसके किनारों को निकालेंगे। तो आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेस्ट कर रही है, तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो किनारे निकल रहे इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम फटाफट इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी ये मजेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। और आज का जो शॉर्ट आउट है वो किसको जाता है, वो जाता है हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर प्रिया सिंह को, जो हमारी वीडियो पे बहुत ही अच्छा सा कल कमेंट की थी। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को अगली वीडियो में मेंशन करूंगी। तो यहाँ पे देखिए आपका नाम भी मेंशन करूंगी। इस तरीके से हम फटाफट सारी ब्रेड को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे ये जो साइड है इसको हम रख देंगे, अभी बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे हम दो ले लेंगे, ब्रेड को एक साथ बराबर कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, बाकी को हम साइड में करेंगे। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि आप फ्रेश वाली ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ताजी ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। और इस तरीके से बेलन से हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से बेल लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ख्याल ही रखना है, प्रेशर को बहुत ज़रा टाइटली नहीं डालना है, आराम आराम से प्रेशर को डालना है। और इस तरीके से ब्रेड बिल्कुल अच्छे से बेल जाती है। अगर आपकी बासी ब्रेड होगी तो आपको बेलने में दिक्कत होगी और ये क्रैक हो जाएगी। तो इसीलिए जो छोटी छोटी सी बातें टिप एंड ट्रिक देते उसे जरूर फॉलो किया कीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है और इसी तरीके से हम दो दो करके बाकी ब्रेड को भी बेलेंगे। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए अलग हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, तो यहाँ पे कम टाइम में आप इस तरीके से टाइम को बचा के इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे और यहाँ पे मैं देखिए कटर ले रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का कटर ना हो तो आप इसकी जगह पे छोटी कटोरी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको इस तरीके से छोटा छोटा बना सकते हैं या फिर मीडियम साइज का बना सकते हैं या फिर आप इसको बड़ा ही बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो मैं इस तरीके से बड़ा बड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे, जो धार वाला हिस्सा होता है उसको नीचे रखेंगे और इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। प्रेशर जब आप देंगे तो बहुत ही ईजिली ये कट जाएगा, ये देखिए। और इसकी साइडों को आपको निकाल देना है, ये देखिए इस तरीके से, कितना ज़रा सुंदर लग रहा है देखने में। और ये साइड होगा इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे, इसका हम बाद में यूज़ कर लेंगे, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैं इसको 3 शेप में बनाऊंगी, इस तरीके से बड़ा भी रखूंगी, बीच का भी रखूंगी और छोटा भी रखूंगी। इससे क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा जब हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। आप इस तरीके से बना के इसे हवा बंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब आपका मन करे या मेहमान है आप निकाल के नाश्ते को बना सकते हैं। तो आप इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे, कवर करके ही रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। आप चाहे तो कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं और चाहे तो इसको हवा बंद डिब्बे में भर के भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बची हुई ब्रेड का था उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए मिक्सी का जार ले ले रहे हैं और उसके अंदर इस तरीके से इसको ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहे तो इसको इस तरीके से रफली तोड़ भी सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और मिक्सी को 1 से 2 बार रोक के इसको दरदरा बनाएंगे।
तो यहाँ पे हमें इसको दरदरा पीसना है, इसीलिए मिक्सी को रोक रोक के पीसना है, एक साथ लगातार मिक्सी को चलाकर छोड़ना नहीं, नहीं तो इसका बहुत ज्यादा फाइन पाउडर बनेगा और रेसिपी का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा रखा है। इस तरीके से दरदरा रखा है, बिल्कुल अच्छे से दरदरा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब चलते हैं रेसिपी को बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसके जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से बर्तन लेना है फैला हुआ, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जब ये बिल्कुल अच्छे से पैन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घी को अच्छे से मेल्ट होने के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट में घी जो हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए घी हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। फिर इसके बाद जो हमारा ये ब्रेड क्रम्ब था वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। और अब हम गैस के जो फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि आपको इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है और कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। अभी आप देखेंगे कि घी ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से ब्रेड ने अपने अंदर ले लिया यानी सोख लिया है। तो यहाँ पे जब हम इसको भूनते जाएंगे तो घी भी अपना वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही और घी डालने की ज़रूरत है। तो ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो आप इस रेसिपी को खिलाइए, उसका वेट बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये रेसिपी को आप थोड़ी कम मात्रा में खाइए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप घी को स्किप कर सकते हैं, आप इसमें रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी हमारा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग उसको खाते आए हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसको 10 से 15 सेकेंड भून दिया है। यहाँ पे बस ख्याल ये रखना है कि इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है और थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना है, जल्दबाजी करने की गलती मत करना, नहीं तो जो ब्रेड है वो अच्छे से भून नहीं पाएगी, फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ब्रेड को आपको भूनने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपके हाथ दर्द होंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत ही अच्छे से हमने इस तरह से दरदरा करके लिया है तो इसको सिकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे से चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक चुका है, आपका भी महक जाएगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे जरूर बनाइएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। तो ब्रेड हमारी बिल्कुल अच्छे से बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और फिर हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड को मैंने ट्रांसफर कर लिया, ब्रेड का जो कलर है वो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉस पैन रख दिया है, पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी है, अगर आपकी बड़ी है तो आप इसमें सिर्फ 1/2 गिलास पानी डालना। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस 1 बूंद डालना है, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें कड़वापन होता है और टेस्ट बेकार हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे शुगर, तो मैं 1 कप बड़ा वाला शुगर डाल रही हूँ, जिसको चीनी बोलते हैं शक्कर बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से पकाना है, यहाँ पे ना हमें 1 तार ना 2 तार किसी तार की चाशनी नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम इसको हिलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसको इस तरीके से हिलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे चाशनी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 2 कप शुगर डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप पानी लिया है, 1 गिलास था जो छोटा था तो यानी कफी हो गया और उसी के बराबर हमने शुगर लिया है, तो दोनों की मात्रा को सेम रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से शुगर मेल्ट हो गई है। अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से जब शुगर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तब तक इंतजार करना है, जब तक शुगर मेल्ट नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए धीमी धीमी आंच पर इसको 2 मिनट तक पक जाने देते हैं। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है हमें चाशनी को पकाते हुए, गैस का जो फ्लेम था वो मैंने मीडियम कर दिया था, शुरुआत में हाई रखा था। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको चेक करना है हथेली को, सॉरी फिंगर को इस तरीके से लगाना है और उंगली के बीच में इस तरीके से करके देखना है, कोई भी तार ना बन रहा हो और इस तरीके से हल्का सा आपको चिपचिपापन महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे 1 इलायची, अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं।
यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे जो ब्रेड थी उसको हम इस तरीके से थोड़ा सा डालेंगे, जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। एक साथ डालने की गलती नहीं करना, इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये देखिए सेम मेरे वाले की तरफ आपको भी फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, ब्रेड बिल्कुल अच्छे से चाशनी में मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेके आएगी। देखिए आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कोई भी फूड कलर नहीं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। और यहाँ पे अब इसको हम धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्रेड जो है बिल्कुल अच्छे से अपना कलर छोड़ दे। तो चाशनी के अंदर जब ब्रेड जाएगी तो बिल्कुल अच्छे से कलर छोड़ देगी, 2 मिनट छोड़ देना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए, देखिए कलर बिल्कुल अच्छे से आ गया है। अब इसमें हम थोड़े से काजू डाल देंगे, आप चाहें तो इस काजू को घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नारियल, तो मुझे नारियल को इस तरीके से मोटा मोटा करके डालना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे इसी तरीके से पसंद है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा ब्रेड का बहुत ही मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका है। ये देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको साइड में रख देते हैं और अपने दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, धुली हुई मूंग की दाल ली है जो वेट ने मुश्किल से हमारी 100 ग्राम है और नाप में एक कटोरी है। आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। अगर आपके पास धुली वाली ना हो तो आप छिलके वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उड़द की दाल ले सकते हैं या फिर मसूर की दाल ले सकते हैं। मैंने मूंग की दाल क्यों ली है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ये प्रोटीन से भरपूर है, सबको पता है। दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए दाल बिल्कुल वरदान है। बहुत जल्दी पचेगी, आपका पेट तो भरेगा लेकिन वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और तीसरी बात इसकी खूबी ये होती है कि बहुत ही जल्दी फूलती है। अगर इसकी जगह चने की दाल लेते तो इतने कम टाइम में नहीं फूलती। मैंने इसको 15 मिनट के लिए इस तरीके से भिगा के रखा था, बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। यहाँ पे मैंने भिगाते समय ख्याल ये रखा था कि पानी को अच्छे से गर्म करके इसके अंदर दाल को डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया और दाल हमारी कमाल की बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे नॉर्मल वाटर में 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, तब भी अच्छे से फूल जाएगी। और चने दाल ले रहे तो कम से कम 4 घंटे भिगो कर लेना, क्योंकि वो दाल थोड़ी सी हार्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस तरीके से एक छंडा ले लिया है। अगर आपके पास छंडा ना हो तो आप इसके जगह पे कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम निकाल देंगे और मूंग की दाल को इस तरीके से इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप दाल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने वही वाला मिक्सी का जार लिया जिसमें मैंने ब्रेड को पीसा था। कोई भी दूसरा जार लेने की जरूरत नहीं है, बर्तन वेस्ट नहीं करना है। अब इसके अंदर अपनी दाल को ट्रांसफर कर देंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइया को बता देते हैं। 2 ग्रीन चिली डालेंगे, तो मेरे भाई को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं 2 डाल ली हूँ। अगर आपका बच्चा है छोटा नहीं खाता है तो आप सिर्फ 1 डालना या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें 2 से 3 कलियां लहसुन की डालेंगे, क्योंकि मेरी मोटी मोटी है। अगर आपकी छोटी है तो आप इसमें 4 से 5 डालना। 1 इंच का अदरक डाल देंगे जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है सौंफ। सौंफ जरूर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर इसके बाद हम नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 1 से 2 स्पून बस काफ़ी है। और बिना पानी डाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो दाल है हमारी बिल्कुल अच्छे से फूली हुई है। अगर आपकी दाल कम फूली है तो आप इसे 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो चलिए इसका पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से फूली है। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बैटर को बहुत ज़रा पतला नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा पीसा है, इससे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे सारा का सारा ताकि बिल्कुल ही वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, तो हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो मेरी जो हींग थी वो स्ट्रांग थी तो इसीलिए मैंने इसमें
थोड़ी डाली है, अगर आपकी हींग बहुत ही ज़्यादा नहीं स्ट्रांग है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना। तो नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पीसी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे जीरा साबुत वाला। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप उसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता। हरा धनिया डालते समय आपको ख्याल रखना है कि हरा धनिया बिल्कुल अच्छे से वॉश करके ड्राई करके डालना है, पानी बिल्कुल नहीं लेता होना चाहिए। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। अगर आपके पास हल्दी ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो इसका जो कलर है वो पीले की जगह पे लाल पर आ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मिला दिया है। अब इसमें हम 1 बूंद ऑयल डालेंगे जो हल्का सा गर्म करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा धुआंदार गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना। तो यहाँ पे अब इसके अंदर जाएगा क्या, ये आपको बता देते हैं, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा लंबे समय तक। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब नाश्ता बनाते हैं तब तो वो कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद खाने आते हैं तो चुई चुई सा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1/4 कप चावल का आटा, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से इसको अपने अंदर ले लेगी और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। अगर चम्मच से नापेंगे तो ये हमारी 4 छोटा चम्मच है, अगर बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1/2 चम्मच लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से फुला के लिया, तो हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। अगर आपको दाल कम फूली है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको बना सकते हैं। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, इसीलिए मैं इसे 2 मिनट का टाइम दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और 2 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से जब फूल जाएगी तब इसको हम बनाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से देखिए फूल गया। इस तरीके से देखिए बैटर हमारा बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इस तरीके से हम जब गिरा रहे हैं तो रुक रुक के गिर रहा है, इसी तरीके से आपका भी बैटर होगा। तो आप इस तरीके से बैटर बना के फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपका मन करे या मेहमान है या बच्चों को जब टिफिन बॉक्स देना है तो आप निकाल के बना सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए ताकि आप एक बार में बहुत सारा बना पाए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, नहीं तो क्या होगा कि रेसिपी बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेगी और अंदर से कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जो बैटर था ये बिल्कुल अच्छे से मेरा रेडी है, और अब इसके अंदर हम इसको डालेंगे इस तरीके से देखिए, और इस तरीके से कोट कर लेंगे, बस 10 सेकंड रखना है, और इस तरह से उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा कमाल की बनने के साथ साथ बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। अगर आपको दाल के पकोड़े खाना पसंद है, ब्रेड पकोड़ा पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा और दोनों का टेस्ट नज़र आएगा। तो दाल का जो बैटर है वो देखिए पानी डाल के मत पीसिएगा, नहीं तो इसमें कोटिंग अच्छे से नहीं लगेगी। और एक बार में देखिए इतना ही डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपको बार बार विजिट करके बनवाएंगे। तो इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा कट करना चाहे। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप इसकी जगह पर कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है, सिर्फ 10 सेकंड रखा है, 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आने लगी है, तब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे नाइफ से, आप चाहे तो छोटे चम्मच से ही पलट सकते हैं। और पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे, टोटल इसको बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसको खा के मज़ा आ जाएगा। आप इसके सामने ब्रेड पकौड़ा समोसा सब भूल जाएंगे, कचौड़ी भी भूल जाएंगे। तो देखिए रोज़ रोज़ वही चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग ट्राई कीजिए और कुछ हेल्दी ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है, अब 2 मिनट और पकाएंगे फिर इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करूँगी, इस तरीके से जब हमारा बिल्कुल अच्छे से
गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्ना का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस उसी में चला जाए। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा कमाल होने के साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप इस तरीके से टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स में निकल के आएंगे। तो इस तरीके से 10 सेकंड रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। और दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, तेल को फिर से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो सेम पहले वाले की तरह इस तरीके से डालेंगे, इस तरह से करेंगे और बस इसको तुरंत डाल देंगे। यहाँ पे बस आपको ये ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बैटर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से कोट कीजिए और डालते जाइए। तो चलिए फटाफट सारे इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अगर आप समोसा और कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े के शौकीन है तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप केचप की रेसिपी नहीं चाहते तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कोई चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को दिल खोल के खा सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और अब हम आपको दूसरी रेसिपी दिखाते हैं, यानी अपना हलवा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हलवे का रिजल्ट कितना बेहतरीन आया है। हलवा हमारा बहुत ही अच्छे से दानेदार बना है, ये देख लीजिए कितना बेहतरीन हलवा बनकर रेडी हुआ है। और कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बची हुई ब्रेड से बताया है यानी बनाया है। कैसी लगी आपको हमारी मजेदार से हलवे की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हलवा या नाश्ता जो भी कुछ पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना और मेरी मेहनत को सफल करना। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूं इसे एंजॉय करने और अपने भाई को देने। तो तब तक आप ही इसे बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।